अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो क्या है। ये वीडियो है, इसके रिगार्डिंग है कि कई आदमी लोग को जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, उन लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ रहते भाई ये मेरा वीज़ा एजेंट ने दिया है मुझे। कई लोगों ने पूछा भाई एजेंट ने ये वीज़ा दे दिया है, इस पर 90 डेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है 90 डेज लिखा हुआ है, ये विजिट वीज़ा है। डायरेक्ट उनके दिमाग में एक ही बात हिंट करती है कि भाई ये तो विजिट वीज़ा है, तो वो एकदम ये रहते हैं। फिर उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। और कई लोगों ने पूछा है, ये तो अलग बात है, कई लोग जब ऑफिस पे एग्रीमेंट करने आते हैं ना वो टाइम भी जो है उनको यही डाउट रहता है, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन सा वीज़ा है, इस पे तो 90 डेज लिखा हुआ है, विजिट वीज़ा दे दिया है एजेंट ने, या आपका विजिट वीज़ा है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। तो आज मैं आप लोगों को ये डाउट जो है आप लोगों का ये क्लियर करने वाला हूँ। और विजिट वीज़ा सऊदी का कैसा होता है वो भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसा होता है वो भी सैंपल दिखाऊंगा। दोनों वीज़ा पे जो है लिखा रहता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, विद एग्जाम्पल विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज का मतलब क्या होता है आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। और आप लोगों का जो भी मन में FAQs है, जो डाउट है, जो मिथक बना हुआ है, उसको जो है मैं आज क्लियर करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो आती रहती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को तो आप खास करके एकदम शेयर करते रहिए ताकि लोग जिनका भी वीज़ा लगता है ना उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि नहीं भाई ये आपका जो है ये डाउट है, ये डाउट खत्म करो, ये आपका विजिट वीजा नहीं है, कैसे एम्प्लॉयमेंट वीजा है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो देखिए, आखिरी तक देखिए, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग ये जो देख रहे हैं यहाँ पे वीज़ा कॉपी, इस वीज़ा कॉपी पर आप मैं कुछ चीज़ें हाइड कर दे, लेकिन जो मेन चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप देखिए, इस पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज लिखा हुआ है। अभी आप ये दूसरी विजिट वीजा है, ये विजिट वीज़ा का आप देखिए, इस पर भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज लिखा हुआ है। अब ये इस 90 डेज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये विजिट वीज़ा है, इसमें एक विजिट वीज़ा है और एक जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों को डिफ्रेंशिएट लास्ट में बताऊँगा कि कैसे ये करें। पहले जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होती है उसका ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज का मतलब क्या, आपका वीज़ा जो सऊदी का जो वीज़ा होता है ना वो वकाला से आता है, किसी के नाम से नहीं आता है, किसी ऑफिस से आता है। मुसानद वाला जो हाउस बॉय हाउस ड्राइवर होता है वो नाम से आता है। ये चीज़ें आपको यहीं पर बातों बातों में क्लियर कर देता हूँ। और ये जो वीज़ा जो लगता है ना, एक ही ग्रुप में कई सारे वीज़ा रहते हैं, कभी एक ही वीज़ा रहता है, कभी 100, 150, 400 भी वीज़ा रहते हैं, 10, 20, 5 भी वीज़ा रहते हैं, 2 भी वीज़ा रहते हैं, तो वो सेम वीज़ा नंबर सेम आईडी नंबर सब पे लिखा रहता है। तो इसमें क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मेरा जो है सेम जो है एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है 90 डेज के बारे में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे ऊपर आप जो है ये वीज़ा का कॉपी देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है वीज़ा का स्टैंपिंग डेट, उसके नीचे लिखा हुआ है वीज़ा वैलिड अप टू, मतलब कब तक ये वीज़ा वैलिड है वो भी लिखा हुआ है, 3 महीने की वैलिड रहती है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज लिखा हुआ है। तो ये आप समझिए कि जब आपका वीज़ा लगता है ना, जिस डेट में स्टैम्प हुआ है वो ऊपर वाले डेट से 90 डेज जो वैलिड अप टू लिखा हुआ है वहाँ तक वो वैलिड रहता है। इसका मतलब कि 90 डेज का आपका वीज़ा वैलिड है। 90 डेज वीज़ा वैलिड होने का मतलब कि आपको 90 डेज के अंदर में ट्रेवल करना है, आपको सऊदी अरबिया जाना है, चाहे तो आप वीज़ा लगा के दूसरे दिन चले जाएं, अगर ECNR पासपोर्ट है तो ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन करा के जाएं, या तो आपका जब वैलिड अप टू जब तक लिखा है ना तब तक आपको पहुंच जाना है, उससे पहले वो डेट जो लिखा रहता है वैलिड अप टू वहाँ तक आपको पहुँचना है। मतलब सिंपली अब मोटा मोटी भाषा में कि 90 डेज में के अंदर में आपको सऊदी अरब पहुँच जाना है, और ये आपका डाउट क्लियर। अभी दूसरा, जब सऊदी अरब भी पहुंचते हैं ना तो उसका भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज होता है। वो क्यों होता है 90 डेज, 90 डेज प्रोवेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड भी आप आसान भाषा में कह सकते हैं, वो होता है। मान लीजिए आप सऊदी अरब गए, वो 90 डेज में आपको देखेगा, कफील परखेगा कैसा आदमी है, कैसा आया है, काम करने में क्या है, बात व्यवहार कैसा है, सब चीज़ आपका मिलाएगा। तो आप जब भी जाए काम करने नए वीज़ा पे तो थोड़ा हार्ड वर्किंग बन के रहें, और जो होता है ना कि वो लोग जो है जो हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं उनको वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, डेडिकेटेड टू वर्क, जो लोग अपने काम की तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको वो लोग पसंद करते हैं। हालांकि 100% में 1-1% के साथ ही ऐसा होता होगा जो 3 महीने के अंदर चले आते होंगे,
तो वो लोग ऐसे भी भेजते नहीं है, लेकिन वो ड्यूरेशन जो 3 महीने का दिया जाता है, अगर आप सऊदी पहुंच गए, जो वो 3 महीना शुरू होता है वो आपके पहुंचने के बाद शुरू होगा। एक तो इधर 3 महीना आपको मिला वीज़ा लगने का, आपका आज वीज़ा लगा, 3 महीने के अंदर आप ट्रैवल कर लीजिए। ये नहीं कि नहीं, ये भाई यही है, अगर आपका अभी 20 तारीख को वीज़ा लगा है तो नहीं, आप इसी 3 महीना में अगर 2 महीना आप यहाँ घुमा दिए, मतलब ख़त्म कर दिए इंडिया में, तो आपको 1 ही महीना वहाँ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वहाँ भी 3 महीना मिलेगा। वहाँ 3 महीना कफिल को मिलता है वो, कि आपको इस 3 महीने के अंदर में इस बंदे का मेडिकल वगैरह कराना है, इकामा बनाना है, हर चीज़ जो फैसिलिटीज़ है और जो ATM कार्ड वगैरह, बैंक अकाउंट, सब चीज़ आपको वो 3 महीने में प्रोवाइड करना है। और उसी 3 महीने में उस आदमी को जज भी कर लेना है कि वो प्रोबेशन पीरियड में है तो वो आदमी काम कैसा कर रहा है, आप वो रिटर्न भेज सकते हैं या उसका सब चीज़ आप ये आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अगर कफिल चाहे तो, अगर आपका काम उसको समझ में नहीं आता है, तो वो 3 महीने के अंदर आपको वापिस भेजेगा। वापिस भेजने के केस में क्या होता है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने 3 महीना कफिल को दिया है, उस केस में वो वीज़ा जो है कफिल को दोबारा मिल जाता है। आदमी जैसे वहाँ से डिटेन हुआ, वहाँ से वापिस आएगा, वो रिपोर्ट करेगा, भाई अब तुम जाओ, तुम्हारे लायक नहीं है काम, तुम कर नहीं सकते हो। तो तुम अगर वापिस आदमी आ जाता है तो वो कफिल के पास चांस रहता है, फिर वो गवर्नमेंट में वहाँ पे जाके अप्लाई करके मिनिस्ट्री में वो वीज़ा सेम वो ले सकता है, वो रीज़न देके कि ये आदमी जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं था, तो उसको वो दोबारा वीज़ा मिल जाएगा, फिर वकाला करके दूसरे आदमी को बुला सकता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए ये विजिट वीज़ा, विजिट वीज़ा पे आपको लिखा हुआ है नॉट परमिटेड टू वर्क, लिखा हुआ है, देखिए नॉट परमिटेड टू वर्क का मतलब कि आप काम नहीं कर सकते थे, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे अमल लिखा रहता है, अमल मतलब काम, वर्क वीज़ा लिखा रहता है। तो इस पे नॉट परमिटेड टू वर्क मतलब ये ज़ियारा वीज़ा है, घूमने फिरने का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएट मालूम होगा, इसमें भी 90 डेज, उसमें भी 90 डेज, इनका 90 डेज का, इनका भी वीज़ा वही लग गया, तो 3 महीने का प्रावधान है, 3 महीने के अंदर में इनको ट्रैवल कर लेना है, नहीं करेंगे वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। एक साथ जाके वहाँ पे इनका मल्टीपल अगर वीज़ा है तो वहाँ पे जाके रुक सकते हैं 3 महीना तक, या वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें होती है, तो हो सकता है आप लोगों के ये डाउट जो रहते हों वो जेन्युइन है, डाउट होने चाहिए, आप पूछेंगे तो उसके जवाब मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब ये आप समझ जाएंगे, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका वीज़ा विजिट है कि एम्प्लॉयमेंट है। लास्ट में एक और, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक अमल रहता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, सेम 90 डेज में भी रहता है वैलिडिटी, और एक जो रहता है ज़ियारा नॉट परमिटेड टू वर्क, क्लियरली उस पर लिखा रहता है वीज़ा पे, अगर वैसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो विजिट वीज़ा है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट है कि विजिट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो आप एकदम से शेयर करिए इसको, बहुत लोगों का डाउट है, मैक्सिमम लोगों का ये डाउट रहता है, वीज़ा देखते ही वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लोगों में शेयर करिए इस वीडियो को, उनका कन्फ्यूज़न दूर करिए आप भी मेरे साथ मिलके, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको हर चीज़ें आसान भाषा में बिल्कुल क्लियर करके बताई जाएंगी। आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, अब आपका काम बनता है, आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।